तो फाइनली जिस चीज का हम सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था आखिरकार वो हो चुकी है, यानी कि डेडपूल एंड वुल्वरीन फाइनली थिएटर्स में लग चुके हैं भाई। मूवी लिटरली बवाल है। अब मूवी के बारे में और बात करने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं भाई, मूवी अपनी फैमिली के साथ देखने बिल्कुल मत जाना, बिकॉज मूवी के अंदर कुछ ऐसे डायलॉग है जो भाई शायद तुम्हें पसंद नहीं आएंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट जाते हैं। टोटल गालियों का इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी भाई बहुत ज्यादा डबल लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ इसमें। एंड भाई मूवी के अंदर जो कैमियोज है भाई लिटरली तुम्हारा दिल खुश कर देगा। अगर तुम मार्वल फैंस और कट्टर वाले एक्समैन या फिर मार्वल की मूवी देखते आ रहे हो तो भाई तुम्हारे लिए जन्नत का नसीब कराएगी ये मूवी। मतलब मूवी के अंदर मल्टीवर्स कितना अच्छे से दिखाया गया है भाई, ये मूवी दिखा दी, मतलब मेकर्स ने भाई बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी। और काफी टाइम बाद मुझे ये लगा भाई मैं किसी मार्वल मूवी देखने जा रहा हूँ, यानी कि एवेंजर्स एंड गेम एंड अपने नो वे होम के लेवल की थी। मतलब भाई मजा ही आ गया मूवी देखकर। एंड साथ ही भाई इस मूवी के अंदर अपने वुल्वरीन डेडपूल की जो केमिस्ट्री थी भाई आए हाय दिल खुश कर देती है। एंड मूवी के एक्शन सीन मतलब भाई भर भर कर हैं, और हर एक एक्शन सीन इतना प्यारा है कि तुम्हें देखकर उससे प्यार हो जाएगा। एंड अपने डेडपूल की कॉमिक टाइमिंग भाई साहब मजा ही दिला देती। और फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन एक ऐसी मूवी जो कि फाइनली अपने वुल्वरीन कैरेक्टर को जस्टिस प्रोवाइड करती है, यानी कि हम जिस वुल्वरीन को देखना चाहते थे इतने साल से स्क्रीन पर भाई ये मूवी हमें वही दिखाती है। एंड साथ में भाई मजा आता है उसको देखकर, एंड अच्छा भी लगता है कि भाई फाइनली इस कैरेक्टर के साथ एक जस्टिस हुआ। हाँ बस एक पॉइंट है मूवी को लेकर, अगर तुम मार्वल और एक्समैन के कट्टर वाले फैन नहीं हो तो भाई शायद तुम्हें ये मूवी समझ ना आए, लेकिन फिर भी तुम भाई हंस हंस कर तो इस मूवी को एंजॉय करने वाले हो। और बाकी बात रही इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट एंड क्रेडिट सीन की, भाई इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट जरूर करना कि तुम्हें जानना या फिर नहीं। तब तक के लिए भाई जाओ और मूवी को एंजॉय करो, क्योंकि भाई बहुत मस्त मूवी और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना।